वाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, कुछ टॉपिक हमारे पास रह गए हैं, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं और वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट के बारे में एक हिंट हमने लिया था जब हम डिस्कस कर रहे थे चार्जिंग सेक्शन। कंपोजिट रेंट अगर हाउस के साथ किसी दूसरी फैसिलिटी या किसी और एसेट का किराया मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती अगर वो इनसेपरेबल हो। तो कब इसे सेपरेबल, कब इसे इनसेपरेबल कहा जाएगा, क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउस के साथ फर्नीचर किराए पर दिया गया है, हाउस के साथ फर्नीचर किराए पर दिया गया है और इस हाउस प्लस फर्नीचर का जो टोटल रेंट है ये है 50,000 पर मंथ। ठीक है जी, 50,000 पर मंथ। ये जो 50,000 पर मंथ है बच्चे, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट, तो जब हाउस के साथ किसी दूसरी एसेट या फैसिलिटी का किराया भी चार्ज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट। अब दो सिचुएशन है हमारे पास। नंबर वन, हमें पता है इस रेंट में, इस टोटल अमाउंट में हाउस का रेंट कितना है और फर्नीचर का कितना है। मतलब जहां पर क्वेश्चन में गिवन है दैट आउट ऑफ 50,000 फर्नीचर का रेंट 10,000 है, ठीक है, इसका मतलब हाउस का 40 हुआ, तो जहां पर हम कंपोजिट रेंट को सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन है जहां पर हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब हमें नहीं पता इसमें हाउस का कितना है, इस अमाउंट में फर्नीचर का रेंट कितना है। हाँ, हमें यह पता है कि जो टोटल है भाई वो 50,000 रुपए पर मंथ आता है। अब ये जो सिचुएशन है इसके बारे में हम बात कर रहे थे बच्चे, ये होती है इनसेपरेबल। ये वाली जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट इनसेपरेबल, जहां पर हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अगर कंपोजिट रेंट सेपरेबल है, मतलब अलग अलग किया जा सकता है, इन दैट केस तो जो हाउस का रेंट है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, मतलब ये आपका एक्चुअल रेंट है और फिर इसे आप जीवी निकालेंगे, एनएवी निकालेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जो फर्नीचर का किराया है, या तो ये जाएगा पीजीबीपी हेड में या फिर जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एज अ केस में भी। अगर ये बिजनेस है एसएससी का, लेट आउट बिजनेस है, ठीक है, हाउस के बारे में तो हमने डिस्कस किया था कि हाउस को लेट आउट करना चाहे बिजनेस ही क्यों ना, वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर होता है। ठीक है, बट बाकी एसेट के लिए तो हम पीजीपी में जाएंगे। तो समझिए कि अगर ये लेटिंग आउट एसएससी का बिजनेस है, ठीक है, हाउस तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, मगर फर्नीचर का रेंट टैक्सेबल कहां पर होगा, पीजीबीपी में। और लेटिंग आउट अगर ये बिजनेस नहीं है, ये उसके बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इन दैट केस हाउस का रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में होगा, मगर जो फर्नीचर का रेंट है बेटा, ये कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ध्यान से कीजिएगा, यहां पर एग्जामिनर फंसा देता है। ठीक है, अब जहां पर हम फर्नीचर एंड हाउस को, मतलब कंपोजिट रेंट को अलग अलग नहीं कर सकते, तो बेटा इन दैट केस टोटल का टोटल अमाउंट जाएगा या तो पीजीबीपी में, ठीक है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस में भी। कारण क्या है, देखो चार्जिंग सेक्शन की एक मेन कंडीशन थी कि हाउस का मतलब है बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट देयर टू। इसका मतलब सिर्फ हाउस का रेंट हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। और जब हम ये 50,000 की बात करते हैं, इस 50,000 में हाउस के साथ फर्नीचर का रेंट भी है, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, बट दैट इज श्योर कि इस 50,000 में कुछ एलिमेंट फर्नीचर का भी है। अगर मैं ये पूरा 50,000 हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देता हूं, तो हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि हम हाउस के साथ फर्नीचर का रेंट भी टैक्सेबल कर देंगे। दैट इज वाई इफ कंपोजिट रेंट इज इनसेपरेबल, हम कंपोजिट रेंट को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, इधर पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस मे बी। बिजनेस एक्टिविटी है तो पीजीपी, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, क्लियर है ये, दैट्स इट। ठीक है, चलो
बड़ा छोटा सा ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था कंपोजिट रेंट। नेक्स्ट, चलो ये हो गया कंपोजिट रेंट हमारा, आगे बढ़ते हैं को ओनरशिप। सेक्शन 26, को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब जब एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है, ठीक है, जब एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर है तो उसे कहा जाता है को ओनरशिप। अब को ओनरशिप का थियोरेटिकली अगर आप समझे तो यहां पर लिखा है जो मैं समझा रहा हूं, मगर इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। If property is co-owned by two or more persons and the share of co-owners are definite, if property is co-owned by two or more person and share of co-owners are definite, then the share of each person shall be included in his income. ठीक है, अच्छा यहां पर एक नोटिंग कर लीजिए, यहां पर एक बेटा नोटिंग कर लीजिए। यहां पर हम पढ़ रहे हैं को ओनर और लाइक शेयर ऑफ को ओनर्स आर डेफिनेट, को ओनर्स आर डेफिनेट। अब इसका क्या मीनिंग है इसको जरा समझिएगा। मान लीजिए एक हाउस है, इस पे दो फ्लोर है, ठीक है, दैट इज को ओन बाय ए एंड बी। अब दो सिचुएशन है यहां पर, ए एंड बी आर इक्वल को ओनर्स, और दूसरी सिचुएशन है जहां पर एग्जाम में शेयर ऑफ ए एंड बी इज नॉट डिफाइन, ठीक है। मान लीजिए एक हाउस था, मान लीजिए एक हाउस था और ये हाउस पिता ने विल में अपने बच्चों के नाम कर दिया, ठीक है, और विल में ये लिखा, पहली सिचुएशन कि मैं मकान अपने बच्चों के नाम कर रहा हूं, ए और बी इसके बराबर हकदार होंगे, बराबर हकदार होंगे। अब जरा समझिएगा, ठीक है, तो यहां पर ए और बिल का, ए और बी का जो बेटा शेयर है को ओनरशिप में, वो को ओन प्रॉपर्टी में, वो क्या डेफिनेट है। दूसरी सिचुएशन है जहां पर ए और बी मकान के मालिक तो बन गए, को ओनर्स हैं, मगर उनका शेयर डिफाइन नहीं है, मतलब ये नहीं पता ए का हिस्सा कितना बी का हिस्सा कितना। ये पार्टनरशिप फर्म की तरह अकाउंट्स की तरह मत ले लेना, अकाउंट्स में क्या पढ़ते थे भाई, पार्टनरशिप फर्म अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन तो इक्वली ले लो। इनकम टैक्स एक्ट में तो ये सारी चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं आप को ओनर हो, आप पार्टनर्स हो, आपका जो शेयर है वो डेफिनेट होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग तो कहता है, या जब हम पढ़ते थे 11th क्लास में, क्या कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर रिटर्न नहीं है तो जो ओरल है काम करेगी। इनकम टैक्स एक्ट कहता है पार्टनरशिप डीड रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो देर आर सो मेनी डिफरेंसेस, तो हमें यहां पर इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करने ध्यान से, इनकम टैक्स एक्ट। अभी जो सेक्शन 26 में मैं आपको को ओनरशिप का डिस्कशन करा रहा हूं, जो मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, ये सेक्शन 26 बेटा कब एप्लीकेबल होता है, जहां पर शेयर ऑफ को ओनर क्या है डेफिनेट है, मतलब पता है कि जो को ओनर्स हैं उनका शेयर कितना है। तो जब मैं सिचुएशन वन लेता हूं, ए एंड बी आर इक्वल को ओनर्स, इसका मतलब ये हुआ शेयर इज डेफिनेट, पता है ए का कितना बी का इतना। तो बेटा यहां पर तो सेक्शन 26 एप्लीकेबल होगा और ट्रीटमेंट वही होगा जो मैं कराने वाला हूं, बट जहां पर शेयर ऑफ को ओनर्स हमारा डिफाइंड नहीं है, इन दैट केस हमारा सेक्शन 26 एप्लीकेबल नहीं होगा। बेटा इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, जहां पर ए और बी का शेयर डिफाइन है, पता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो इनकम होगी ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए एंड बी। जितना ए का हिस्सा है वो ए के हाथ में टैक्सेबल होगा, जितना बी का हिस्सा है वो बी के हाथ में टैक्सेबल होगा। बट जहां पर
को ओनरशिप में शेयर ऑफ को ओनर्स डिफाइन नहीं है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो टैक्सेबल होगा हमारे पास इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो ए के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, बी के हाथ में नहीं होगा. यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां पर ए और बी उस एसोसिएशन के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे. ठीक है, उसके बाद बट ऑब्वियस है क्योंकि इनकम ऑलरेडी ओपी के हाथ में टैक्सेबल हो चुकी है, तो मेंबर्स के हाथ में हम उसको फिर टैक्सेबल नहीं करेंगे. ठीक है, वहां पर टैक्स रेट ज्यादा होगा. ठीक है, सेपरेट हो सकता है, फिर उसकी अपनी कंडीशंस हमारे पास होती है. ठीक है जी, तो वो टैक्स ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है, सिर्फ ये थियोरेटिकली आप यहां समझिएगा. ओके, तो ये तो क्लियर हो गया. अब करते हैं, जहां पर शेयर डेफिनेट है, डिफाइंड है, मतलब पता है कि ओनर्स का शेयर कितना है, तो भाई हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट कैसे होता है, अब जरा ये भी देखिए. देन द शेयर ऑफ ईच को ओनर शैल बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम. तो जहां पर को ओनर्स की शेयरिंग रेशियो पता है, इन दैट केस जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो सभी को ओनर्स के हाथ में उनकी शेयरिंग रेशियो में टैक्सेबल हो जाएगी. एक्सप्लेनेशन, इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय को ओनर, ये थ्योरेटिकली यहां पर समझते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा. अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, देखो बड़ा मजेदार चीज है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो क्या होगा, जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी लेट आउट प्रॉपर्टी की, उसे मेंबर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बट अगर प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में क्या होता है, उस केस में एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑफ को ओनर शैल बी टेकन टू बी निल. ठीक है, को ओनर्स की जो प्रॉपर्टी की एनएवी है वो होगी निल, मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ईच ऑफ को ओनर शेल एंटाइटल टू डिडक्शन ऑफ 30,000 टू लैक एज द केस में भी. इसको थियोरेटिकली याद रखिएगा, प्रैक्टिकल अभी कराऊंगा. होता क्या है, अगर मेरे पास एक हाउस है, उस हाउस में चाहे 10 कमरे ही क्यों ना हो, मेरे पास एक हाउस है, उस हाउस में एक ही कमरा 10 ही कमरे क्यों ना हो, वो एक हाउस माना जाता है. और अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस हाउस की एनएवी होती है निल, और उस हाउस में जो डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की वो मैक्सिमम 30 या 2 लाख एज द केस में भी. बट यहां इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब हम को ओनरशिप में बात करते हैं तो फॉर ईच को ओनर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम अलग से कैलकुलेट की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ईच को ओनर कैन क्लेम डिडक्शन सेपरेटली फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अप टू 2 लाख रुपीज. ये बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट है. वाई, क्योंकि सबके लिए अलग अलग टैक्स बेनिफिट यहां पर मिलेगा, सबको अलग अलग यहां पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए कहा गया है. ठीक है, तो थियोरेटिकली याद रखिएगा ईच को ओनर. ठीक है, अब प्रैक्टिकली कैसे करना है मैं ये आपको समझाता हूं. को ओनरशिप, इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिएगा. इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस कैलकुलेट जॉइंटली एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग co-owners in given ratio. अगर co-ownership property को किराए पर दिया गया है तो भाई उस किराए पर दी गई property की इकट्ठी income निकालिए. ठीक है, अलग अलग नहीं निकालनी है, फॉर ईच को ओनर इकट्ठा निकालिए और फिर जो को ओनर्स की रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. ठीक है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए फॉर ईच को ओनर इनकम इज टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली. ठीक है, सभी को ओनर की इनकम अलग से कैलकुलेट की जाएगी एंड ईच को ओनर कैन क्लेम डिडक्शन फॉर
इंटरेस्ट अप टू 30,000 ऑब्लिक 2 लाख एज द केस मे बी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर इस कंसेप्ट को समझते हैं अच्छी तरीके से। एक हाउस हमारे पास है और इस हाउस में 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3, 4। ए एंड बी आर इक्वल को ओनर्स, इस प्रॉपर्टी के ए और बी इक्वल को ओनर्स हैं। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास हैं इसमें 4 इक्वल या आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, मतलब ये जो 4 कमरे हैं इस मकान में, ये 4 फ्लोर हैं, ये 4 यूनिट्स हैं, ये बराबर हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल हैं, मतलब चारों यूनिट का जो एरिया है वो इक्वल है। तो 25% 25% 25% 25%। ठीक है, एक यूनिट ए सेल्फ ऑक्यूपाई करता है, एक यूनिट बी सेल्फ ऑक्यूपाई करता है, मतलब यूनिट 1 में ए उसका परिवार के साथ रहता है, यूनिट 2 में बी अपने परिवार के साथ रहता है, और ये जो यूनिट्स हैं ये दोनों यूनिट्स बेटा किराए पर दी गई हैं। ठीक है, किराए पर दी गई हैं। अब ये जो किराए पर दी गई हैं, ठीक है, लेट आउट एट 20,000 पर मंथ ईच, मतलब एक यूनिट को 20,000 पे पर मंथ किराए पर दिया गया है, तो इसका भी एक महीने का किराया 20,000, इसका भी एक महीने का किराया 20,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। कंसेप्ट समझना है तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे यहां पर हम इंफॉर्मेशन के। दूसरा चीज यहां पर हमारे पास हाउस की इंफॉर्मेशन गिवन है, हाउस की म्यूनिसिपल वैल्यू, ये पूरे घर की है बेटा, हाउस मतलब ये पूरे घर की इंफॉर्मेशन है। हाउस की म्यूनिसिपल वैल्यू है 4 लाख रुपए, हाउस की म्यूनिसिपल वैल्यू है 4 लाख रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स 10% और ये पेड है, इंटरेस्ट पूरे घर का 4 लाख। ठीक है, ये हाउस के लिए है, मतलब ये पूरी 4 यूनिट्स के लिए है हाउस की इंफॉर्मेशन, और जो इंटरेस्ट है ये है 1,50,000 रुपए। जब नॉर्मली क्या होता है, जब इक्वल कोऑनर्स होते हैं तो चाहे 2 हैं 3 हैं सबकी इनकम एक इक्वल निकल कर आएगी, मगर कैलकुलेट कैसे करनी है इसको समझिएगा बेटा। यहां पर हमने क्या पढ़ा था, जो हिस्सा लेट आउट होता है उसकी इनकम इकट्ठी कैलकुलेट करके को ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी इनकम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले लेट आउट पोर्शन की निकाल लेते हैं, पहले लेट आउट के लिए इनकम निकाल लेते हैं। लेट आउट यूनिट्स कितनी है, 2 out of 4, मतलब 50% ऑफ हाउस। तो इसका मतलब जो कॉमन इंफॉर्मेशन है हाउस की बेटा, जो कॉमन इंफॉर्मेशन है हाउस की वो मैं कितनी लूंगा, जो कॉमन इंफॉर्मेशन है हाउस की उसका मैं केवल कितना लूंगा 50%। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ईआर, क्वेश्चन में केवल एमवी गिवन है तो यही हो जाएगी ईआर। पूरे घर का ईआर कितना, 4 लाख, तो आधे घर का ईआर कितना होगा बेटा, 2 लाख रुपए, बराबर। पूरे घर का ईआर कितना है, 4 लाख, तो आधे घर का कितना हो गया, 2 लाख। उसके बाद एक्चुअल रेंट, अब एक्चुअल रेंट तो आपको निकालना है, एक यूनिट 20,000 रुपए पर मंथ किराए पर दी है, तो एक यूनिट 20,000 रुपए पर मंथ किराए पर दी है, तो 2 यूनिट हो गई 40,000, और पूरे 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, ये देखो 20,000 × 2 × 12, 4,80,000 रुपए। तो आधे घर का पूरे साल का जीएवी इन 2 यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कितना होगा, 4,80,000। म्यूनिसिपल टैक्स पूरे घर का 10%, आधे को पूरे घर का कितना होगा, 4 लाख का 10%, मतलब 40,000। भाई हमें तो केवल लेट आउट यूनिट का चाहिए, तो 40,000 का 50%, मतलब 2/4, 2/4 मतलब 2 यूनिट आउट ऑफ 4 यूनिट का कितना हुआ,
20,000 रुपया। सो जो एनएवी हमारे पास बचेगी बेटा ये कितनी होगी, ये होगी 4,60,000 रुपया। इसमें क्या माइनस करते हैं, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है 30%, ठीक है जी 30%, तो 4,60,000 का 30% हमारे पास आएगा 1,38,000। और दूसरा क्या माइनस करेंगे हम, इंटरेस्ट। दोबारा बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, पूरे घर का जो इंटरेस्ट है वो है 1,50,000, तो हमें तो 1,50,000 अगर है 4 यूनिट का इंटरेस्ट पूरे घर का, तो हमें तो केवल लेट आउट यूनिट्स मतलब 2 यूनिट का चाहिए, तो ये कितना होगा 75,000। और याद है ना लेट आउट में कोई कंडीशन या लिमिट चेक नहीं करते, पूरा इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए 4,60,000 माइनस 1,38,000 माइनस 75,000, तो ये आता है 2,47,000। तो बेटा आधा घर जो किराए पर दिया गया है, इसकी इनकम कितनी है हमारे पास, ये है 2,47,000। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वल रेशियो है, तो ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा 1,23,500 और बी का शेयर भी होगा 1,23,500, ठीक है। तो क्या पढ़ा था, अगर को ओनरशिप प्रॉपर्टी या उसका कोई हिस्सा किराए पर दिया जाता है तो उस किराए पर दी गई इनकम को ज्वाइंटली कैलकुलेट कीजिए और फिर को ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बेटा आधे हिस्से की यूनिट 3 और 4 की जो टैक्सेबल इनकम आई वो है 247, ए का हिस्सा 1,23,500, बी का हिस्सा 1,23,500, ठीक है। अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स हैं ए की भी और बी की भी, समझिएगा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है ए की और बी की, इसकी इनकम हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी इनकम हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए करते हैं ए के लिए अलग बी के लिए अलग। तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स, ए का अलग करेंगे बी का अलग करेंगे। क्या पढ़ा था, एनएवी कितनी होती है बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस या यूनिट की, ठीक है, निल, तो इसकी भी निल और इसकी भी निल। और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में केवल एक ही चीज माइनस होती है, वो क्या होता है, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट को बहुत ध्यान से देखना, टोटल इंटरेस्ट कितना था 1,50,000, ठीक है, तो यूनिट 1 का 37,500, यूनिट 2 का 37,500, यूनिट 3 का 37,500 और यूनिट 4 का 37,500। बेटा 3 और 4 का ऑलरेडी यहां पर हम 75,000 ले चुके हैं, अब बचा है यूनिट 1 का और यूनिट 2 का, तो दोनों के लिए कितना है 37,500। इंटरेस्ट की लिमिट होती है 30,000, 2,00,000 रुपए तब होती है अगर मुझे कंडीशन फुलफिल करने के लिए डेट्स गिवन होती है, डेट्स आर नॉट गिवन, सो आई कैन नॉट चेक कंडीशन, इन दैट सिचुएशन हम मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना लेंगे 30,000। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना है 37,000, कितना ले पाओगे केवल 30,000 दोनों ही केस में, तो यहां पर भी आएगा 30,000 और यहां पर भी आएगा 30,000 रुपीज, तो माइनस 30 हो गई यहां पर इनकम, माइनस 30 हो गई यहां पर, भाई क्योंकि इक्वल को ओनर्स है तो इनकम इक्वल ही निकलेगी। अब निकालो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए के लिए और बी के लिए, लेट आउट यूनिट से कितनी थी 1,23,500 और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से तो आ गया भाई लॉस 30,000। अगेन क्योंकि दोनों इक्वल को ओनर्स हैं बेटा, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इक्वल ही निकल कर आएगी, तो ये आंसर होगा 9,350, दैट्स इट, ठीक है। ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ को ओनरशिप, एग्जाम में ये कंसेप्ट कम आता है। देखो पूरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हमारा बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और उसमें से भी जब आते हैं तो जनरली लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड के मेन क्वेश्चन आते हैं, तो कंपोजिट रेंट, को ओनरशिप ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। बट थियोरेटिकली बन सकता है, तो लिमिट याद रखेगा दैट ईच को ओनर विल गेट डिडक्शन अप टू 30,000 to 2,00,000 एज अ केस मे बी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस सेपरेटली, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में मैंने करा दिया है, क्लियर है ये। चलिए अब बढ़ते हैं डीम ओनरशिप, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट डीम ओनर, ये एक बार फिर आपको नजर आएगा जब मैं क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर कराऊंगा। डीम्ड ओनर का मतलब क्या हुआ, डीम्ड ओनर का मतलब हुआ बेटा एक व्यक्ति जो मकान का मालिक नहीं है मगर उसको मकान का मालिक मान लिया जाता है, तो
किन सिचुएशन में एक व्यक्ति को डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाता है, ये याद करके जाइएगा थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली इसका रेफरेंस बहुत कम आता है, ठीक है, बट स्टिल अगर गिवन होगा तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा। थियोरेटिकली इसको करते हैं चलिए, और जहां प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम्पल दूंगा। पहली सिचुएशन, इन केस ऑफ ट्रांसफर टू स्पाउस, स्पाउस मतलब लाइफ पार्टनर, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, और माइनर चाइल्ड, नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर। इंडिया में बात करें तो लीगली तो ये अलाउड नहीं है कि जहां पर एक माइनर डॉटर की मैरिज की जाए, बट भाई हम तो देखते ना यहां पर बालिका वधु, हाँ ठीक है, बच्चों की शादी कर दी जाती है, मतलब माइनर्स की मैरिज कर दी जाती है, तो वो इलीगल है, ठीक है, मगर इनकम टैक्स एक्ट उनको बाहर कर रहा है। कहते हैं देखो, अगर हाउस ट्रांसफर किया गया है किसे, स्पाउस को, मतलब हस्बैंड ने वाइफ को किया, वाइफ ने हस्बैंड को, तो समझने के लिए हम हस्बैंड टू वाइफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी हाउस ट्रांसफर किया या फिर माइनर चाइल्ड को किया, माइनर चाइल्ड सन है ये डॉटर मैटर नहीं करता, मगर किसको छोड़कर, नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर को छोड़कर, वहां पर हम क्लबिंग लगा देंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे वो। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बेटा विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन होता है या तो फ्री में दिया, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर दिया, ठीक है। दोबारा समझिएगा इसको, मैं अभी थियोरेटिकली सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट के लिए करा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब हम क्लबिंग करेंगे तो इस सेक्शन को एक बार मैं दोबारा रेफर करूंगा, और ये विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन को बहुत डिटेल में हम करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, या फादर और मदर ने अपने बेटे या बेटी जो कि माइनर है उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस जो ट्रांसफरर होगा उसको ओनर मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम। मिस्टर ए गिफ्टेड अ हाउस टू वाइफ मिस्टर ए गिफ्टेड ए हाउस टू वाइफ, ठीक है। यहां पर वाइफ एक्चुअल ओनर, ठीक है, गिफ्टेड, गिफ्टेड मतलब विदाउट कंसिडरेशन, तो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन में क्या होता है, या तो फ्री में दिया हो मतलब गिफ्ट दिया हो, या मार्केट वैल्यू से कम पर ट्रांसफर किया हो। तो मिस्टर ए ने एक हाउस अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, तो यहां पर वाइफ एक्चुअल ओनर है, ठीक है, बट जो हस्बैंड है मिस्टर ए, बेटा ये डीम्ड ओनर होंगे, डीम्ड ओनर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ हाउस इज लेट आउट, मिस्टर ए विल कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन हिज ओन हैंड। तो समझिएगा, हस्बैंड ने वाइफ को एक मकान गिफ्ट किया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ मना नहीं करता, मैंने पहले भी आपको कहा था, ठीक है। मैं अगर अपनी वाइफ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं तो बिल्कुल मैं खरीद सकता हूं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर मैं ये टैक्स प्लानिंग के लिए नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक मकान खरीदना था, मैंने क्या करा, जनरली जो होता है, ठीक है, आप फैमिलीज में अगर देखोगे 60-70% फैमिलीज में होता है कि जब मकान खरीदा जाता है तो जो लेडी होती है, जो फीमेल मेंबर होती है घर की, उसके नाम पर परचेज किया जाता है। एक कारण तो एक्चुअली ये होता है इंडिया में कि कुछ स्टेट में जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो फीमेल्स के नाम पर कम होती है, मेल्स के नाम पर ज्यादा। मतलब अगर एक लेडी के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है तो जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो कम लगती है, और अगर एक मेल मेंबर के नाम पर खरीदी जा रही है तो ज्यादा होती है। तो भाई अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और अगर
ड्यूटी का डिफरेंस 2% भी है, जैसे डायनेमिक टाइम में 6% और 8% होता था, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट अगर 6 और 8% की बात करें तो 2%, तो भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सीधा 2 लाख रुपए बच रहा है, तो वो 2 लाख रुपए की सेविंग भी बहुत बड़ी है। ठीक है, वाइफ को अलग से भाई ज्वेलरी दिला देंगे 2 लाख रुपए की, तो एक कारण तो ये भी हमारे पास होता है। बट अगर आप देखा हो, ठीक है, जनरली क्या होता है कि एक फीमेल मेंबर के नाम पर परचेज की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर परचेज करना चाहता हूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिचुएशन इज कि कल अगर इस प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाता है, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ उस मकान में रह रहा हूं, मैं, मेरी वाइफ, बच्चे, माता पिता रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देयर इज नो इनकम, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की इनकम नहीं हो गई। ठीक है, सिचुएशन इज कि अगर इस प्रॉपर्टी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होनी है, तो वो मेरी वाइफ के हाथ में ना तो कैलकुलेट होगी ना टैक्सेबल होगी, वो मेरे हाथ में ही कैलकुलेट होगी, मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी। तो समझिएगा कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हस्बैंड के हाथ में ही कैलकुलेट होगी और हस्बैंड के हाथ में ही बेटा टैक्सेबल होगी। वाइफ एक्चुअल ओनर है, मगर इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के लिए हस्बैंड को ओनर माना जाएगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट भी हस्बैंड के हाथ में होगी और टैक्सेबल भी हस्बैंड के हाथ में होगी। ठीक है, डिफरेंस ही आया। दूसरा, फादर गिफ्टेड अ हाउस टू माइनर डॉटर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा समझिएगा, यहां पर क्या होगा, जो माइनर डॉटर है, ये जो माइनर डॉटर बेटा, ये एक्चुअल ओनर है, मगर फादर कौन होंगे, डीम्ड ओनर। तो इस हाउस से जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट होगी, ठीक है, वो फादर के हाथ में होगी, फादर के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो यहां पर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो फादर के हाथ में ही कैलकुलेट होगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किसके हाथ में होगी, फादर के हाथ में, क्योंकि वो डीम्ड ओनर है, और टैक्सेबल भी किसके हाथ में होगी, फादर के हाथ में। बराबर, चलो ठीक है। हाँ, अगर ये माइनर डॉटर मैरिड है, तो बेटा यहां पर फिर सेक्शन 27 नहीं लगता। अगर माइनर डॉटर मैरिड है तो सेक्शन 27 नहीं लगता, वहां पर क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट आएगा, तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने आपसे कहा था आपका जो एग्जाम बनेगा वो चैप्टर पे नहीं बनेगा, पूरे इनकम टैक्स कोर्स पे बनेगा, और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जामिनर को ये पता है कि भाई पूरे इनकम टैक्स से क्वेश्चन है, तो इन दैट केस, क्योंकि एग्जामिनर एज्यूम कर रहे हैं कि आपने पूरे इनकम टैक्स पढ़ रखा है, तो उस समय आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो देर आर फ्यू सेक्शंस जो बेटा हम रिलेट नहीं कर सकते जब तक वो किसी दूसरे रेलेवेंट सेक्शन के साथ समझ जाना जाए। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये समझो कि अगर पेरेंट ने अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो पेरेंट को डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाएगा, बट माइनर अगर मैरिड है तो इन दैट केस सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहां पर क्लबिंग का सेक्शन एप्लीकेबल हम करेंगे। ठीक है जी, डन। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा, होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एस्टेट इज डीम्ड एज ओनर। बेटा बात करें तो ऑलमोस्ट ये कंसेप्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, कुछ सिचुएशंस में लगता है, बट ऑलमोस्ट ये कंसेप्ट नेग्लिजिबल हो चुका है। ठीक है, हिंदूज फैमिली में क्या होता है, अगर समझे, हिंदूज फैमिली में अब तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बन चुका है, 50s में, मिड 50s में ये पास हो गया था। ठीक है, बट उससे पहले क्या होता था, कि जो हिंदू फैमिली में जो प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, वो उसका नेचर था कि जो प्रॉपर्टी थी वो पिता से पुत्र को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती थी, मतलब अगर फादर की डेथ होती थी तो उस प्रॉपर्टी पर जो बच्चे होते थे, ठीक है, उनके पास चली जाती थी, और उसमें होता क्या था, वो फैमिली की प्रॉपर्टी कहलाती थी, ठीक है, होती थी, जिसपे सबका हिस्सा होता था, उस प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी पर जो
डिसीजन लेने का अधिकार होता था वो बड़े बेटे का होता था, मगर उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आती थी वो घर के सभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, ठीक है जी। सो इन दैट केस क्या होता था, वो जो हाउस हमारे पास होती थी, जो प्रॉपर्टी होती थी, उसको कहा जाता है इम्पार्शियबल एस्टेट, जिसको हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। सो इन दैट केस जो घर का बड़ा बेटा था उसे माना जाता था होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एस्टेट, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आती थी चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी मेंबर्स में होता था, मगर वो टैक्सेबल बड़े बेटे के हाथ में होती। अब क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है मिड 50s में, 1950s में, तो बेटा अब ये वाला कंसेप्ट यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि अब लीगली प्रॉपर्टी जो है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है जी। तो इस कंसेप्ट को सिर्फ थियोरेटिकली समझिए, होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एस्टेट, तो अभी भी कुछ सिचुएशन लीगली ऐसी क्रिएट होती है जहां पर प्रॉपर्टी अनडिस्ट्रीब्यूटेबल होती है, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप होगी वो जो होल्डर होगा उसको कहा जाएगा होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल स्टेट शैल बी टेकन एज डीम्ड ओनर, और उस व्यक्ति के हाथ में मकान का पूरा किराया या इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है, ठीक है, इंडिया के अभी भी कुछ एरियाज में ये एप्लीकेबल होता है। इन केस ऑफ अलॉटमेंट और लीज अंडर ए हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ सोसाइटी कंपनी और अदर एसोसिएशन, द पर्सन टू होम बिल्डिंग हैज बीन अलॉटेड शैल बी डीम्ड एज ओनर, ठीक है। क्या है, चलिए इसको समझते हैं, लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल है, ये क्या चीज है इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। मेरे दोस्त ने एक नया घर परचेज किया, मेरे दोस्त ने एक नया घर परचेज किया और उसकी पार्टी रखी और सारे उस पार्टी में हम लोग दोस्त गए। ये जो हाउस उसने परचेज किया, ये परचेज किया एबीसी कॉपरेटिव, एबीसी हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, एक कॉपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कॉपरेटिव सोसाइटी है, यहां पर एक घर उसने परचेज किया, तो होम वेलकम पार्टी रखी थी, तो सारे वहां पर गए। मकान बहुत बढ़िया था, तो मैंने कहा यार अगर कोई फ्लैट खाली है तो यार मुझे भी दिलवा दो, तो पता लगा यहां पर एक फ्लैट खाली है और इस फ्लैट के लिए मुझे पे करना पड़ेगा, इस फ्लैट के लिए मुझे पे करना पड़ेगा 10 लाख रुपए। तो अगले दिन पार्टी के नेक्स्ट डे 10 लाख रुपए लेकर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में चले गए और 10 लाख रुपए का चेक मैंने कहा सर मुझे यहां पर मकान परचेज करना है। मकान परचेज करना है, कहते सॉरी सर हम मकान नहीं बेचते। अरे सर मकान नहीं बेचते, कहते अरे मेरे दोस्त ने तो लिया है। तो मुझे वहां पर समझाया गया, देखो भाई आपको मकान तो नहीं मिलेगा, आपको मकान नहीं मिलेगा, आप 10 लाख रुपए पे करेंगे मेंबरशिप फी, और हमारी सोसाइटी का रूल है कि जो हमारी सोसाइटी का मेंबर होता है उस मेंबर को एक फ्लैट दिया जाता है, ठीक है, उस फ्लैट दिया जाता है, फ्लैट अलॉट कर दिया जाएगा टू मेंबर। इसका मतलब यह हुआ कि भाई मैं मकान खरीद नहीं सकता, मुझे सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है, मैं मेंबरशिप फी पे करूंगा और क्योंकि मैं मेंबर हूं तो एज पर बाय लॉज ऑफ सोसाइटी एक हाउस मुझे अलॉट कर दिया जाएगा। बेटा इसका मतलब से यहां हो रहा है, जरा समझने बड़े ध्यान से, मैंने 10 लाख रुपए मेंबरशिप फी पे कर दी, ठीक है, और मुझे फ्लैट अलॉट कर दिया गया, भाई क्या मैं प्रॉपर्टी का मालिक बन गया? जी नहीं, जब मैंने 10 लाख रुपए दी तो मुझे मेंबरशिप कार्ड दे दिया गया, मुझे एक फ्लैट की चाबी दे दी गई, मगर जो एक मेंबरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसमें लिखा है क्या, एज अ मेंबर यू आर अलॉटेड अ फ्लैट, जब तक आप मेंबर है ये फ्लैट आपके पास रहेगा, जब आप मेंबरशिप छोड़ देंगे ये फ्लैट आपसे वापस ले लिया जाएगा। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई, मुझे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई, तो बताइए एक्चुअल ओनर कौन है? यहां पर जो एक्चुअल ओनर है वो कौन है? सोसाइटी। एक्चुअल ओनर कौन है भाई? सोसाइटी।
मैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता, बट इस बात को भी समझिएगा, मेरे पास ये फ्लैट आया, अब मैं अगर 100 साल तक इस सोसाइटी का मेंबर हूं तो सोसाइटी मुझसे वो फ्लैट वापस नहीं लेगी। मैं उस फ्लैट को किराए पर भी देता हूं, मैं उसमें कुछ रिनोवेशन भी करा लेता हूं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस सब मुझे करानी है, मतलब मुझे ना उसका कोई मंथली रेंट पे करना है, नथिंग, मतलब एज गुड एज ओनरशिप, बट एक्चुअल ओनर तो कौन है बेबी, सोसाइटी। तो भाई यहां पर इनकम टैक्स एक्ट मान रहा है कि अरे यार तुम मेंबर हो मगर तुम इस फ्लैट का पूरे तरीके से फायदा उठा रहे हो, जो किराया आएगा वो भी तुम रखोगे, सोसाइटी नहीं लेगी, तो यू आर एज गुड एज ओनर। तो यहां पर बेटा एक्चुअल ओनर तो कौन है, सोसाइटी, मगर जो मेंबर है वो कौन है, डीम्ड ओनर। मेंबर कौन है, डीम्ड ओनर, ठीक है, डीम्ड ओनर। तो जब हमें लीज पर कोई हाउस मिलता है, जब मुझे लीज पर कोई प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे दिल्ली में अब एक पहले होता था सिर्फ लीज होल्ड, दिल्ली में जो अथॉरिटी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब तो प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट आज से अगर मैं 20-25 साल पहले की बात करता हूं तो तब फ्री होल्ड कम होता था, लीज होल्ड कम होता हो ज्यादा होता था, ठीक है। लीज होल्ड मतलब जहां पर प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती थी, लीज ट्रांसफर की जाती है। लीज ट्रांसफर मतलब 99 ईयर्स के लिए ये प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं ऑन लीज, ठीक है। अब क्या होने लगा, फ्री होल्ड होने लगे। फ्री होल्ड में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। पहले क्या होता था, सिर्फ लीज पर दिया जाता था, पट्टे पर दिया जाता था, एक्चुअल ओनर कोई होता था आपको लीज पे, भाई 99 इयर्स की लीज दे दी गई तो ऑलमोस्ट मकान आपके पास है, ठीक है, मगर आप एक्चुअल ओनर नहीं है उसके, एक्चुअल ओनर नहीं है। तो इन केसेस में ये जो लीज वाला पॉइंट है मैं अभी लास्ट में कराऊंगा, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर एक सिचुएशन दी गई कि भाई जहां पर आप किसी सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, ठीक है, आप किसी सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, किसी कंपनी के मेंबर बनते हैं, और आपको उस मेंबरशिप के बदले कोई फ्लैट अलॉट कर दिया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं, इन केस ऑफ अलॉटमेंट और लीज अंडर ए हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम ऑफ सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन, द पर्सन टू हुम बिल्डिंग हैज बीन अलॉटेड शैल बी डीम्ड एज ओनर। तो अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, कंपनी के मेंबर बनते हैं, किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आपको लीज पर, ठीक है, प्रॉपर्टी अलॉट की जाती है, या एज ए मेंबरशिप आपको प्रॉपर्टी अलॉट की जाती है, तो जो सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, जो कंपनी है, वो उसकी एक्चुअल ओनर है, मगर जो मेंबर है बेटा वो क्या होगा, वो होगा डीम्ड ओनर, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो सोसाइटी के हाथ में या कंपनी के हाथ में, एसोसिएशन के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, वो मेंबर जो डीम्ड ओनर है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, The person who acquired property without registration in part performance of contract under Section 53 of Transfer of Property Act 1882 is deemed as owner, where property, लिख लीजिए, is transferred under power of attorney, ठीक है, power of attorney कुछ states में अभी भी चलता है, ठीक है, अब ये बंद हो चुका है। power of attorney में क्या होता था, power of attorney में basically जो ownership है वो पुराने मालिक के पास ही रहती है। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपने सुना होगा ये बहुत सारे एसेट्स के, ठीक है, जहां पर हम राइट ट्रांसफर करते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू क्या होता है, मान लीजिए मैं मकान का मालिक हूं, मैंने मकान खरीदा, मैं उसका एक्चुअल ओनर हूं, जो रजिस्ट्रार है उसकी बुक में भी मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रार की बुक में भी मेरा नाम लिखा हुआ है। अब मैं ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं 1 करोड़ रुपए की, समझना ध्यान से, ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत पहले खरीदी थी 1 लाख रुपए की, आज इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, मैं ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, मगर जो बायर है
ठीक है, बायर थोड़ा सा घबराता है, कहता है सर देखो गड़बड़ ये है कि ये प्रॉपर्टी अगर मैं अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाता हूँ, समझिएगा, अगर ये प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराता हूँ तो देखिए इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। नंबर वन सर, वो 1 करोड़ रुपए की मुझे रजिस्ट्री करानी होगी जिसके ऊपर 6% का मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मतलब 6 लाख रुपए का खर्चा होगा। दूसरा, मुझे 1 करोड़ व्हाइट का चाहिएगा। और तीसरा, जब ये 1 करोड़ मैं आपको दूंगा तो आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन निकलेगा जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई बात तो मुझे की है। तो इस केसेस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, मैं प्रॉपर्टी सेल तो करता हूं मगर मैं इसकी रजिस्ट्री नहीं करवाता। ध्यान से सुनेगा, मैं प्रॉपर्टी सेल तो कर देता हूं, ठीक है, मगर मैं उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाता। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझिए कि मैंने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन तो कर दिया मगर वो प्रॉपर्टी के जो पेपर है हमने कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराए, कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराए, ठीक है। और साथ में एक हमने पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी, उस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिख दिया कि मैं इस मकान के इस्तेमाल करने के सारे अधिकार आपको देता हूं या उस व्यक्ति को देता हूं, ठीक है, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करा लिया ताकि मैं कल पीछे ना हट सकूं, और मैंने प्रॉपर्टी के सारे कागज दे दिए क्योंकि देखो जेन्युइन होनी थी, बट क्योंकि हम यहां पर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे यहां पर सारे तरीके का, ठीक है। अब ये तो कैपिटल गेन में पढ़ेंगे इसका इंप्लीकेशन, मगर यहां सिचुएशन देखिए क्या हुई। प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है मगर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ये प्रॉपर्टी में किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे चुका हूं इस्तेमाल करने का। अब मैं हूं एक्चुअल ओनर, तो कल अगर वो प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है जिस व्यक्ति को मैंने प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांसफर की है, तो वो व्यक्ति अगर इस प्रॉपर्टी को किराए पर देता है तो कल तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, हाँ विवेक गोयल जी आप प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर हो। मैंने कहा हाँ जी, क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रार की बुक में तो मेरा नाम लिखा है ना बेटा, मगर क्या प्रॉपर्टी मेरे पास है? नहीं है। तो यहां पर लॉ मेकर ने मुझे रिलीफ दी, अभी रेंट के केस में मुझे रिलीफ मिल रही है, कैपिटल गेन में मैं भी फंसूंगा, ठीक है। अभी मैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की बात कर रहा हूं कि यहां पर कहा गया जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांसफर की गई है उस व्यक्ति को डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रॉपर्टी का रेंट मेरे हाथ में ना तो कैलकुलेट होगा ना ही टैक्सेबल होगा। जिस व्यक्ति को मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो व्यक्ति डीम्ड ओनर होगा, उसी के हाथ में रेंट कैलकुलेट होगा और उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। डन। चलो ये जो पॉइंट्स है ना 3 और 4, ये दोनों आएंगे जब हम कैपिटल गेन चैप्टर करेंगे, फिर मैं इसको लिंक करूंगा तब इसका हम इंप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। 5, अ पर्सन हु एक्वायर्ड एनी राइट, अब ये लीज का है बेसिकली, अ पर्सन हु एक्वायर्ड एनी राइट, ये ब्रैकेट को छोड़ दो अभी, ठीक है, इन और विद रिस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ फॉर ए पीरियड, आगे लिख लीजिए फॉर ए पीरियड Not less than 12 years. अभी ब्रैकेट वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, ठीक है। मिस्टर ए ने बिल्डिंग किराए पर दी है मिस्टर बी को, ठीक है। मिस्टर ए कौन है बेटा? ओनर। मिस्टर बी कौन है? टेनेंट। मिस्टर बी ने इस बिल्डिंग को, सेम बिल्डिंग को सबलेट कर दिया है, सबलेट आउट, ठीक है, बैंक को। अब समझिएगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा बेटा, ए ओनर है, अभी जो लेट आउट से रेंट मिलेगा, ये मैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का कंसेप्ट क्या था कि एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस। मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी मिस्टर बी को किराए पर दी, तो बेटा ये जो रेंट होगा ये मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा, कहां पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। मिस्टर बी जो टेनेंट हैं, ये तो किराएदार हैं, इन्होंने ये प्रॉपर्टी बैंक को किराए पर दी है। अब यहां जरा दो सिचुएशंस हैं,
दो सिचुएशन है कि भाई ये जो लेट आउट किया गया है ये कितने पीरियड के लिए किया गया है, मिस्टर ए ने जो प्रॉपर्टी बी को दी है वो कितने साल के लिए दी है। हमारा कंसेप्ट कहता है पांच नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव और सबसेक्शन फाइव और सेक्शन 27, अगर एक प्रॉपर्टी कम से कम 12 साल के लिए लीज पर दी गई है, रेंट पर दी गई है, तो जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, मतलब जो किराएदार है उस व्यक्ति को भी मकान का मालिक मान लिया जाएगा। प्रैक्टिकल ही नहीं बेटा, सिर्फ टेक्निकली, सिर्फ इनकम टैक्स के लिए उस व्यक्ति को मकान का मालिक मान लिया जाएगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बी जब ये प्रॉपर्टी सबलेट करता है और इस सबलेट से रेंट आता है, तो बेटा उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये जो बिल्डिंग ओरिजिनली किराए पर दी गई है ये कितने साल के लिए दी गई है, कितने साल के लिए दी गई है, ठीक है, कितने साल के लिए दी गई है। मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी जो बी को लेट आउट की है ये की है 15 साल के लिए, अब क्या होगा? तो जब ओनर प्रॉपर्टी 12 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए किराए पर देता है तो वो तो ओनर है, इन दैट केस ये जो ए है बेटा ये ओनर है, जो बी है टेनेंट तो है, ठीक है, टेनेंट के साथ साथ इसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर, इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, डीम्ड ओनर। इन दैट केस जो ए को रेंट मिलेगा, ए को जो रेंट मिलेगा वो किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और बी को भी जो रेंट मिलेगा, बी को कहां से रेंट मिल रहा है, जब बी ने प्रॉपर्टी बैंक को लेट आउट की है तो बी को भी जो रेंट मिलेगा ये किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि कंडीशन क्या थी हाउस प्रॉपर्टी में रेंट टैक्सेबल करने की, एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस एंड ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। तो अगर एक प्रॉपर्टी कम से कम 12 साल के लिए लीज पर दी जाती है तो जो टेनेंट है उसको भी ओनर ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये टेनेंट प्रॉपर्टी को आगे किराए पर देता है तो जो किराया मिलेगा वो किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। हाँ, मान लीजिए प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती, प्रॉपर्टी ए लेट आउट करता है, प्रॉपर्टी ए ने किराए पर दी है बी को 5 साल के लिए और आगे लीज को रिन्यू करने का ऑप्शन भी नहीं है। अब जो ए है ये तो ओनर है, बी टेनेंट भी है, मगर बी को बेटा अब हम डीम्ड ओनर नहीं कह सकते। वाई? क्योंकि प्रॉपर्टी केवल 5 साल के लिए किराए पर दी गई है। ए को जो रेंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। बी को जो रेंट मिलेगा, बी ने प्रॉपर्टी किराए पर दिया ना, सबलेट कर दिया बैंक को, बी को जो रेंट मिलेगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है, आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकली, और इसमें कंडीशन क्या थी, ब्रैकेट वाली, एक्सक्लूडिंग एनी राइट बाय वे अ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब यहां पर जो प्रॉपर्टी कम से कम 12 साल के लिए किराए पर दी गई है, जो 12 साल का पीरियड है, ठीक है, 12 साल कम से कम, भाई उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि जो लीज एग्रीमेंट है वो हर महीने या एक साल से कम पीरियड में रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर ऐसा ऑप्शन है, मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी बी को 15 साल के लिए किराए पर दे दी, मगर साथ में ये लगा दे कि भाई देखो हर 6 महीने में तुम्हें एग्रीमेंट रिन्यू कराना पड़ेगा, तो लॉ मेकर कहते हैं सॉरी, इन दैट केस ये वाला सबसेक्शन 5 नहीं लगेगा, ए ओनर है, बी टेनेंट रहेगा, उसको हम डीम्ड ओनर ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ, ये कहा गया कि भाई ए ने बी को एग्रीमेंट में लिखा, देखो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी 15 साल के लिए लीज पर दे रहा हूं, मगर कंडीशन ये है कि लीज हर 5 साल में रिन्यू करानी है, तो ठीक है 5 साल में रिन्यू हो सकती है ना लीज, और 15 साल का पीरियड है, तो इन दैट केस हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी 12 साल वाली, ठीक है। मगर जो रिन्यूअल का पीरियड है वो 1 साल या उससे कम का पीरियड है, या हर महीने लीज को रिन्यू कराना है, इन दैट केस बेटा फिर ये सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी, क्लियर है ये।
ओके और ये लास्ट प्लीज थियोरटिकल कर लीजिएगा, कुछ ऐसे सिचुएशन, यहाँ पर 27 हमारे खत्म हो गए बेटा ऑलरेडी, और अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है, इनकम इन फॉलोइंग टैक्स केसेस नॉट टैक्सेबल। फटाफट इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अ बिल्डिंग दैट इज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज यूज एज ड्वेलिंग यूनिट और एज स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग, फार्म हाउस, ये एग्रीकल्चर जब इनकम करेंगे वहां पढ़ेंगे बेटा, जो फार्म हाउस होता है या एग्रीकल्चर लैंड पर कोई बिल्डिंग बनी होती है या एग्रीकल्चर लैंड की इमीडिएट विसिनिटी में कोई बिल्डिंग बनी होती है जिसको एज ए स्टोर रूम एक्सेट्रा यूज किया जाता है, ठीक है, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में ही कवर होती है, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होता, उस हाउस की, उस फार्म हाउस की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज, ठीक है, सेक्शन 11, 12, 13 में ये कवर होती है, ये टैक्स फ्री इनकम होती है। प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, जो अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, रादर उस प्रॉपर्टी पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो पीजीपीपी में डिडक्शन मिल जाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसकी इनकम हमेशा क्या होती है, निल, ठीक है, रादर उससे जो इनकम है वो नेगेटिव हो सकती है। प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटी की इनकम, ठीक है, एग्जेम्प्ट होती है। प्लेस ऑफ एक्स रूलर, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स रूलर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब ये बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया है, जब इंडिपेंडेंस के बाद जो छोटी छोटी रियासतें थी, राजा थे, उनको जब इंडिया में मर्ज किया गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया गया, इन दैट सिचुएशन कुछ प्रॉपर्टीज, जो कुछ महल थे वो राजा के पास रहने दिए गए, कुछ इंडिया में मर्ज हो गए, ठीक है, तो जो एक्स रूलर थे, जो पुरानी रियासतें थी, जो उनको महल मकान रहने के लिए दे दिए गए, उसमें से किसी एक की जो इनकम है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, ठीक है। अब तो बहुत गिने चुने बची हैं रियासतें, जो मतलब रियासत तो अब नहीं, वो कह सकते हैं जो महल थे, जैसे हम बात करते हैं, हाँ जी, सैफ अली खान नवाब, ठीक है, पटौदी के, तो वो क्या थे, वो एक्स रूलर थे, तो गवर्नमेंट ने जब रियासत को, पटौदी रियासत को इंडिया में मर्ज किया, तो उनके पास कुछ महल छोड़ दिए गए, तो उसमें से किसी एक महल की जो इनकम है, ठीक है, वो इनकम टैक्स एक्ट से बाहर है, ठीक है, चलो डन बेटा। तो यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये थियोरेटिकली ध्यान से कीजिएगा, डीम ओनरशिप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट, ये वाले जो कंसेप्ट है ये प्रैक्टिकली आपको नजर आएगा जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, या जब सबलेटिंग का कंसेप्ट अगर किसी क्वेश्चन में टकरा गया तो वहां पर ये यूजफुल होगा, अदरवाइज इसको थियोरेटिकली करिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 एक बार दोबारा नजर आएंगे जब मैं कैपिटल गेन चैप्टर कराऊंगा, पॉइंट नंबर 1 को एक बार दोबारा डिटेल में हम कवर करेंगे जहां पर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला है, माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर, ये कवर होंगे अच्छी तरीके से जब मैं क्लबिंग ऑफ इनकम आपके साथ करूंगा, मतलब ये बेटा पूरा सेक्शन इस 2 को छोड़कर, क्योंकि जनरली इररेलेवेंट हो चुका है, ठीक है, तो इस 5 में से 4 पॉइंट हैं जो आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं हमें नजर आएंगे। तो चलिए वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।